दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बीजेपी ये देखिए, ये देखिए, बीजेपी ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे की तरफ ये देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं किस तरह आज पीएचई डेली में से फिर से सड़कों पर निकले आप देख सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे जो साफ को पकड़ते हुए किस तरह से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये देखिए साफ तौर से तस्वीरों में आप देख रहे पुलिस भी यहाँ पर भाग रही है और पीएचई डेली वेजर भी यहाँ पर भागते हुए ये देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी लगा दी गई है और यहाँ पर पीएचई डेली वेजर जो है फिर से एक बार सड़कों पर निकल चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, काफी कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा इनको रोकने की। इस समय हम शालामार में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पुलिस जो है तैनात की गई है। पीएचई एक बार फिर सड़कों पर निकली है और आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से पीएचई डेली वेजर बाहर निकले और पुलिस प्रशासन की टीम ने उनको रोका, पर उसी बीच में कोई हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। आप विजुअल के माध्यम से देखिए आगे की तस्वीरें और मुझे दीजिए इजाजत और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखे। देखिए को यहाँ से लेते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि जी आज फिर से आप सड़कों पर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर हम सड़कों पर निकले हैं तो हमें मजबूर किया गया है एलजी प्रशासन की तरफ से सड़कों पर निकलने के लिए। शायद आपको याद होगा हमने 9 सितंबर को ही अनाउंस कर दिया था कि अगर 4 अक्टूबर तक हमारे मसलों को हल नहीं किया गया तो हम 4 अक्टूबर को एक महारैली करेंगे और हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। हम बड़े अच्छे तरीके से पीसफुली तरीके से बीसी रोड कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन शायद सरकार ने ये सोचा कि इनके पास संख्या बल नहीं है, ये कोई वायलेशन नहीं करते, ये किसी को परेशान नहीं करते, शायद सरकार ने इसलिए लाइट नहीं लिया। तो आज उसका नतीजा ये निकला कि आज आप देख सकते हैं कि कब से रोड बंद है और आम जनता के लिए भी परेशानी हो रही है, लेकिन हम कभी भी आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। जब भी मजबूर करती है जम्मू कश्मीर के प्रशासन हमें मजबूर करता है सड़कों पर निकलने के, अगर इन 25 दिनों के अंदर सरकार हमारे मसलों पर गौर करती, हमारे साथ बातचीत करती तो आज ये नौबत नहीं आती। इससे ये साबित होता है कि एलजी प्रशासन जो है वो जम्मू की जनता को हरासमेंट करना चाहता है किसी न किसी तरीके से। आपने पिछले दिनों देखा स्मार्ट मीटर का मुद्दा बना, टोल प्लाजा का मुद्दा बना, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा बना, आज डेली वेजर का मुद्दा बना हुआ है। किसी न किसी तरीके से आम जनता के लिए परेशानियां बनती रहती है और एलजी प्रशासन नए नए हथकंडे अपनाता है कि जिससे जनता परेशान हो। तो एलजी प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है, आज के बाद लगातार ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरीके के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। जब तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं होती तब तक डेली वेजर बैक फुट पर नहीं जाएगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। रवि जी आपको लगता नहीं है सरकार आपको सुनकर भी अनसुना कर रही है? देखिए एलजी साहब ने बीजेपी को खत्म करने की सुपारी ली हुई है, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से आम जनता के लिए ऐसे तुगलकी फरमान लागू करते रहते हैं जिससे कि जनता की अंदर तक रूह काम जाए और जनता दुखी हो, और उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पिछले 10 सालों से डेली वेजर परेशान है और आज जो 30 साल के बाद काम कर रहा है, 30 साल के बाद एलजी साहब कहते हैं कि ये बैकडोर है, ये बिना किसी प्रोसेस के लगे हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की डिवीजन बेंच की 4-4 जजमेंटें आ चुकी हैं कि डेली वेजर लीजिबल है और इनको एसआरओ 64 और 520 में इनको रेगुलराइज किया जाए।
यहाँ तक कि पीडीपी बीजेपी की कोल्यूशन सरकार, चुनी हुई सरकार जिसको की पूरी अथॉरिटी है कानून बनाने की, वो एक एसआरओ बना के गई थी SRO 520। जब तक अरुण मेहता जी फाइनेंस कमिश्नर नहीं थे, नवीन कुमार चौधरी थे, तब तक वो SRO इंप्लीमेंट रहा। उसमें 578 लोग रेगुलराइज हुए, लेकिन जैसे ही उस इंपावर कमेटी के चेयरमैन अरुण कुमार मेहता जी बने, उसके बाद उस SRO को रोक दिया गया। चुनी हुई सरकार के कानून को आज कहा जाता है कि वो कानून गलत है, वो संविधान का वायलेशन है। तो मुझे ये बताइए कि हमारा संविधान किसको इजाजत देता है कानून बनाने की, एक चुनी हुई सरकार को या एक ब्यूरोक्रेट्स को? अगर चुनी हुई सरकार के पास अथोराइजेशन नहीं है कि कानून बनाने की, तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर इलेक्शन खत्म कर देनी चाहिए, डिक्टेटरशिप लागू कर देनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के ऊपर क्यों इतना खर्चा किया जाता है, जनता का टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है इलेक्शन करवाने में, अगर चुनी हुई सरकार अपने लोगों के हित में कोई कानून ही नहीं बना पाती? क्या कहेंगे आगे? मैं होशियार सिंह, PHE इंप्लाइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। लगातार 470 दिन दे अस प्रदर्शन पर हां, मगर LG प्रशासन अज भी कुदा न कुदा सानू गुमराह करने की कोशिश करा है। इस वजह कन्ने तुंदे माध्यम कन्ने LG प्रशासन की सीधा स्पष्ट मैसेज है, अस लोग कोविड के दौरान अगर काम कर सकने हां ते अपने हक ते लड़ी मरी भी सकने हां। इस वजह कन्ने अज दा कार्यक्रम लगभग एक महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 4 अक्टूबर की, ये डेली वेजर अपनी डिमांड की लिए रोड पर आग, जो भी लाइन आर्डर की स्थिति खराब हो उसकी जिम्मेवारी LG प्रशासन की हो। सर ये आज के मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट में जड़े ना सर डेली वेजर आए क्या से? सभी डिस्ट्रिक्ट से डेली वेजर तकरीबन जम्मू प्रांत से सारे, सबको मैसेज था हमारा कि आज का कार्यक्रम अपने बच्चों के हक के लिए सारे लोग इकट्ठे हों, तो तकरीबन लोग आए हुए। 2014 में भाजपा ने आपसे जैसे वादा किया था, क्या लग रहा है कि जब उनको आपने सरकार में बिठाया था, तो आज वही वादे जो है लगातार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे बीजेपी को? क्या मैं बीजेपी के कहने कहने तुसे भी सुनाई देना चाहना, अस लोग 94 के वादे लगे दे लगभग साढ़े 7 साल 2005 चो ही रहे, उन्हें सारी सरकारें साडा बेड़ा गर्क कीता, ओहदे कन्ने गै कुदे ना कुदे एले बीजेपी भी ओहदी कसूरवार है। इस वजह ने साडा एक आह्वान है कि बगैर पॉलिसी दे अगर कोई भी सरकार मैनीफेस्टो दा सानू शिकार करना चाहती है, वो अस होने वाले नहीं। पहले पॉलिसी तो ओहदे बाद इलेक्शन पर गल हो, वो चाहे बीजेपी होवे, चाहे MC होवे, PDP होवे, कांग्रेस होवे, इन्हें सारे लोगों मेरे साथी का खून पीते दा, इन्हें सारे लोगों 60 साल सेवा देने बाद मेरे साथी खाली हाथ अपने घर गए। जम्मू च जिन्नी सरकारें रही कोई प्रशंसा के लायक नहीं, इन्हें सारे लोगों साडा जीवन तबाह कीते दा।